मेले, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा हो। आज जगह जगह पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मेले लगे हुए हैं और छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया था जी। एक बार जोरदार तालियां उनके नाम से। मेरे से पूर्व मेरे भाइयों ने, भाई विकास और भाई सुरेश, दोनों भाइयों ने बड़ा जोर लगा के, ताकत लगा के कार्यक्रम, एक बार जोरदार तालियां उनके नाम से, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा भी दो बातों का नंबर है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और यहां तक के सुभाष चंद्र बोस, ये तो उंगलियां पर पा जाएंगे लोगों का याद भाई। ये देश के ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने शहादत दी है। लेकिन इस भारत देश के अंदर एक छोटा सा प्रांत, 2.5 करोड़ जिसकी आबादी, जिसको दुनिया हरियाणा के नाम से जानती है, हरित क्रांति के हरिया रंग वो तकरीबन पंजाब और हरियाणा का विख्यात है। सजनों, इस हरियाणा ने इस देश के लिए क्या किया है, इस हरियाणा में कौन से शहीद गए थे जिसने देश को आजादी जलाई है? सुभाष चंद्र बोस सजनों सोया हुआ और भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई, ताड़ा लगया हुआ, जैसे टीवी में दिखा कर दे कोरोना आ गया और वो ताड़ा भी तरह देश रगड़ दिया। भारत माता के कपड़े फटे हुए बेबस लाचार भारत माता के, देखी ना जा मेरे पे गुलाम भारत माँ, सपने में भी दिखे सुबह शाम भारत माँ, पाया में बेड़ी माँ के हाथा में हथकड़ी, जैसे कसाईया ने कोई गऊ हो पकड़ी, कोमल मुकड़ा दिखे से उदास माता का, टूटता सा दिखे जा से सास माता का, धारे बैठी रानी दासी आड़ा बाणा से, अरे जो रोवे जार जार दुख का नहीं ठिकाना से, यो देश बचाना से, यो देश बचाना से, या तो मारो दुश्मन को या खुद मर जाना से। सजलो सपना आया और सपने में भारत माता गुलामी की जंजीरों में नू बोली रे सुबह से, अरे बेटा खड़ा हो ले, इसे इसे वीर चले गए गांव में, अंग्रेज बढ़िया कर दे लोग नू तोए पर रोटी नीचे डा कर दी, बुजुर्गों से पूछना नू निबेरा किसकी बरान माटी करके लेके डा कर दे, किस माँ का लाल जाया कर दा। सजनो भारत माता सुभाष चंद्र बोस को जगाती है। बहुत कम सुनी उठ बात, हरियाणा के कौन कौन शहीद थे जिसने देश को शहादत दी, क्या कहती है सुभाष चंद्र बोस को, क्या कहा? बोली रे लूटलिए सुता उठ लिए, मैं तन्ने जगावण आई को नहीं, हर उस वीर को जगाने आई थी मेरी माँ जो उस समय मौजूद था। कैसे के कल लगी अमलू टलिए सुताऊ टलिए, अमलू टलिए सुताऊ टलिए, पतने जगावन आई रे, इन बेईमान अंग्रेज आते तने करनी पड़े लड़ाई रे, बेईमान अंग्रेज आते तने करनी पड़े लड़ाई, अब लूट लिए सुताऊ टलिए, अब लूट लिए सुताऊ टलिए, मैं तने जगावन आई रे।
मेरा साथी भाई मनोज और प्रदीप दोनों भाई देशभक्ति तराने पे मनोज और प्रदीप 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। और मेरे लिए परम आदरणीय भाई दिनेश सरपंच साहब, देखे भाई एक बुलावा कई साल हो लिए, मिस हो लिया था प्रोग्राम, भाई के सहयोग से इतनी महान मूर्तियों के आज दर्शन हुए हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। पहली कली में पहला शहीद, सोनीपत में जाना कभी और जीट रोड पर कदे दिल्ली जाने का मौका मिले तो एक शहर आवे छोटा सा मुरथड़ के पराठे सुने होंगे, उस त्यागले का न्या बालगढ़ आवे सजनों, और बालगढ़ से ठीक पहले ताऊ देवलाल पार्क है कति जीटी रोड पर, वो गांव है लिबासपुर, और वहां का प्रथम शहीद था शहीद उद्यमी राम। 1857 की क्रांति में हम युद्ध हार गए और झांसी की रानी न जाने किस किस ने लड़ाई लड़ी, उसका हार हारने के बाद वहां सजनो उद्यमी राम ने 52 आदमियों का जत्था बनाया, उनके जितने भी साथी थे जाके देखना एक गौरव पट है वहां पे, आजादी ऐसे नहीं मिली नौजवानों, थम जब नशे मर माँ बाप तो उल्टे बोलो ना, जब खून खोल जा रहा है इन बुढ़ा दा पूछो आजादी क्यों कर मिल रही है। उद्यमी राम ने 52 आदमी इकट्ठे करे, एक अंग्रेज अंग्रेजन दिल्ली दे चंडीगढ़ जाती, दो जगह कैंप होया कर दे या दिल्ली पानीपत या चंडीगढ़, बीच में रोक का अंग्रेज को मौत के घाट उतार दिया, अर्धी बेटी इसी उनकी इसी मारी। उद्यमी राम ने कहा लगे भाई इसका फैसला फेर करेंगे, बालगढ़ एक औरत के पास छोड़ दिया, उस औरत को अंग्रेज ने लालच दे दिया और नुकल लगी जब तू रात ने मना पानीपत बचा दे तो जन बच्चा सोने भगत हो दूंगी, सदनो लालच मा गए और बावड़े भेज दी, तड़की 4 बजे लिबासपुर के चारों तरफ तोप लेगा अंग्रेज खड़े। मेरी बहन बेटी बैठी है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करा गया, अश्लीलता करी गई, और यहां तक भी बात नहीं हुई तेनू बोले बस सारे काम ना गोले तो फूकेंगे, चाहता उद्यमी राम ने अड़क कट्ठा कर दो सारे साथिया ने। उद्यमी राम के पिताजी को लाके चौपाड़ के बीच में कोड़े मारे सजनो, उप तक नहीं करी, और जब नू के आगे काम न फूकेंगे चौपाड़ की छात पर चढ़कर उद्यमी राम का पिताजी ने बोला बेटे ई बाना पड़ेगा तने, सजनो उद्यमी राम ने सरेंडर कर दिया। मेरे आदरणीय भाई जसवीर और मेरे आदरणीय भाई प्रदीप जी भाई साहब नारनौंद से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, 251 से भाई मान सम्मान करते हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाइयों का। अमरापुर बहनी प्रोग्राम करवाते हैं बिल्कुल निष्पक्ष और इतना इतनी सुंदर वातावरण में, पहली कली में उद्यमी राम ने सरेंडर कर दिया, बरगद के पेड़ द जुगरी सा मशीन का भगवान कया रही अंग्रेज, उसने बरगद के पेड़ व सजनों कील टांग दी, एक नून गाड़ दी हाथ पे, एक नून गाड़ दी दो पाया बगाड़ दी, 18 दिन तक भीष्म पिता में सरसैया पर लिटा रहा, रिकॉर्ड तोड़या 32 दिन तक वो उद्यमी राम सर उस पीपल बरगद के पेड़ पर लटका रहा, खून टपकता रहा, पानी नहीं पाया उस तई, और आखिर में जब पानी मांगा तो उसके मुंह में अंग्रेजा ने पेशाब डाल दिया लोगों। अरा गौर करो नौजवानो, या जिंदगी नशे में खून की गुना, और फिर और जुलम देखो, और जितने साथी थे वो साथी एक पागल अथनी और रोड पर लौटा गए और उसके पास गिरडी बांध गए, एक पत्थर दो आज भी से उस पार्क में एक का बेरा नहीं, उसके पीछे बांध कर रोड पर लौटा दिए देरवा अथनी आगागार पत्थर पाछा पाछा वो वीर ऐसे मारे गए। अंतिम इच्छा पूछी उनकी, नु बोले रे कोई अंतिम इच्छा, उन्होंने बोले वह हाँ है एक के उस वीर ते मिला दो, सजनो सारे भाई चल के और उद्यमी राम ते मिलन गए, उसकी कील का ढी
हाथ पे हाथ धर के, हाथ पे हाथ धर के 104 हाथ इकट्ठे कर दिए। और नो बोला अंग्रेजो थरे में हिम्मत हो तो ईब को एक ही लियाओ, को तलवार लियाओ, इतना बड़ा नट हो दे। ईसे ईसे चले गए रे सुभाष, प्रथम शहीद हरियाणे का। राम बांध थर खत के उन्हें की लगा तुम गड़ा दे। उदमी राम बांध थर खत के की लगा तुम गड़ा दे। अरे एक यथनी क बांध कगरड़ी उन्हें वीरा ऊपर चढ़ा दे। एक यथनी क बांध कगरड़ी वीरा ऊपर चढ़ा दे। मरे गए दुख भरे गए, दुख भरे गए, मरे गए दुख भरे गए। अस अस के जान खपाई रे। बोलिए भारत माता की जय। इन बेईमान अंग्रेज साहब। और दीपक नंबरदार जी 200-200 रुपए से हौसला बजाई करते हैं। भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। ये कृष्ण जी नडाणा से 100 रुपए से हौसला बजाई करते हैं, धन्यवाद है। बड़े भाई कोई बात नहीं, आपके लाख समान हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद मिल गया यही बहुत है। दूसरी गली में थोड़ी बात तो सब ध्यान तो सुनियो, खास कर नौजवाना खतर। फिर चालो बर्बाद पछवा की तरफ। ये मेरा भाई जसबीर आ रहा हिसार जिले दे। हिसार जिले में एक शहर है आसी को घनी दूर को नाड़े तो सब जानते होंगे। और आसी शहर में आज भी एक सड़क है जिसका नाम है लाल सड़क। क्यों पड़ा नाम? एक जलियावाला बाग हत्याकांड तो सभी को याद है अमृतसर के अंदर। एक जलिया वाला बाग हरियाणा में भी बना था अंग्रेजा ने। आज राजनीतिक लोग आपको बढ़ाते हैं इस देश में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो शुरू से है। भाई से भाई को लड़ा देंगे, जात पात की लड़ाई करा देंगे, धर्म की लड़ाई करा देंगे। सजनो दो वीर थे हरियाणा में, देखे मेरे लिए आदरणीय कोई गुप्ता आदमी कोई लालाजी आदमी बैठा हो। लालाजी का कई आदमी मजाक कर लिया करे, अकबदल थोड़ा हो सा लाला जी में ना भूल ना मनियो। लाला जी की गारंटी देता हूँ मैं, लाला जी से तो फौज में पाओगा तो बड़ा अफसर पाओगा, गारंटी बात है, बड़ा अफसर पाओगा जो अच्छे अच्छे डिसीजन लेना जानता है। लाला हुकमचंद जैन और मुनीर वेग, धर्म से मुस्लिम, दोनों का याराना हो गया। अंग्रेजा के दांत खट्टे हो गए, अंग्रेजा का कुछ भी समझ में नहीं आया। ये नहीं मारी पकड़ मान दे, उन्हें खेल खेलिया धर्म का खेल। मुनीर वेग को मार के उसको तो जिंदा जला दिया और लाला हुकमचंद जैन को कब्र में दफना दिया। आदमी इकट्ठे हो गए धर्म के मारे, छोटे छोटे बालक माताएं बहन अपनी बेटियां ना गोदी में लेकर गणखरे मानस इकट्ठे हो गए। और मुक्का देख के अंग्रेज अधिकारी ने शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया। गोले चले सजनों, गोली चली वह सड़क लाल रंग में परिवर्तित होगी। इतना गंदा कर्म ये अंग्रेज करके गए थे। अरे इसे वीर जा रहे हमारे
दूसरे शहीद कौन थे? जैन को इनने कब्र बना कर दफनाया, कब्र बना कर दफनाया। मुनीर वैग को इन दुष्टों ने चता बना कर जलवाया, मुनीर वैग को इन दुष्टों ने चता बना कर जलवाया। वलाल सड़क मेरा नहीं सरक, सड़क मेरा रही सरड़क, लाल सड़क मेरा रही सरड़क। काशी में करी तबाही रे इन बेईमान अंग्रेजा ते तन करनी पड़े लड़ाई रे, बेईमान अंग्रेजा ते तन करनी पड़े लड़ाई रे। हम उठ लिए सुता उठ लिए, हम उठ लिए सुता उठ लिए, विकास नडाणा से आपके इलाके की शान। बहुत अच्छे कलाकार है भाई, 100 रुपये से हौसला अफजाई करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। और ये माताएं बहन बैठी कदे को नू सोचो अकबर रोटी रोटी बनाने की से नारी ना। सबसे पहले संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने दर्शा दिया राजा जी धानक समाज से 100 रुपये से हौसला अफजाई करते, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। इसी इसी चलेगी। एक तो रानी लक्ष्मीबाई को तो दुनिया जानती है, एक लड़की थी मन्ना देवी, उसको अंग्रेजों ने 8 साल की उम्र में जिंदा आग में फेंक दिया था। क्या क्या कुर्बानी दे जा रही है। ओ 57 में लड़के मरेगी जासी आली रानी रे, 57 में लड़के मरेगी जासी आली रानी रे। अरे अग्नि के मजड़ा कईवा मैना दे पियाणी रे, अग्नि के मजड़ा कईवा मैना दे पियाणी रे। रही डटी और नहीं हटी, रही डटी और नहीं हटी, रही डटी और नहीं हटी, रही डटी और नहीं हटी। नीची नाड़ झुकाई रे इन बेईमान अंग्रेजा ते तन करनी पड़े लड़ाई रे, बेईमान अंग्रेजा ते तन करनी पड़े लड़ाई रे। लूट लिए सुता उठ लिए, लूट लिए सुता उठ लिए, देश का यारों।
बलगान पहलवान जी भैरोखेड़ा से देशभक्ति तराने पर 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें पहलवान जी का। भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। और ऐसे ऐसे कवियों को भी नमन करते हैं हम, जो इन वीरों की बात बनाते हैं। ना तो माताएं बहने बैठी हैं, शर्म भी आओ हम नून गाना का जकरा करते हुए। डॉक्टर तो ही नहीं बकस दे डम डम करती चला गाड़ बैठा दी मारी, जिसको लोग भगवान का दर्जा दे वो भी गाना कुछ नहीं होता, जिसने बाप और बेटा इकट्ठा बैठ कर ना सुन सके। अरे अपने बच्चों को ये चीज सिखाओ, बार बार नमन उस वीर को, क्या कहा। करिए डाणा रे आजाद सिंह तू कलम चला मतनिया करिए डाणा रे, और शीस झुका कसईदों को गले पहराया कर माला रे, शीस झुका कसईदों को गले पहराया कर माला रे। नवर दे तू धन जर दे तू, नवर दे तू धन जर दे तू, नवर दे तू धन जर दे तू, नवर दे तू वीरों की कविताई रे। सारे मिलकर जयकारा लगाओ एक बार, बोलो भारत माता की जय।